हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मन नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संबोध नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मन मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं, अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं, संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर मान्यवर ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, हमने धारा 370 और 35 ए को हटा दिया। मान्यवर धारा 370 और 35 है, कश्मीर के लोगों को तो न्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, मनोज जाजिब कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु की गई हो गई और वो शहीद हो गए। मान्यवर आज मुझे आनंद है, कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिन जिन ने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से दो विधान, दो निशान और दो प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। मान्यवर आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। दो राजधानी रख, दो दरबार रख, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मान्यवर अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35 ए के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहां हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा का कानून पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370। फॉरेस्ट राइट एक्ट पहली बार 370 समाप्त होने के बाद। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370। साहब ये विसल ब्लोअर ये भ्रष्टाचार के जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछो, सिफारिश के सिवाय नौकरी नहीं मिलती थी। मान्यवर बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था क्योंकि तीन ही परिवारों का शासन था। क्यों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट वहां लगाएंगे? अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है।